अस्सलाम वालेकुम, मैं शाफ़ी बहुत खुश आमदीद। जब बात करें हबील और कबील के एपिसोड में 19 के प्रमो के बारे में, आज के एपिसोड में आप लोगों को, जब हारिस अपनी बात रखता है तो वहाँ पे सोफिया को बुलाया जाता है और सोफिया कहती है कि वो हारिस से शादी करेगी। इस बात पर उसकी माँ एक थप्पड़ रसीद करवाती है जिसके वो लायक होती है। वहीं पर वो काफ़ी परेशान होते हैं सब, और हारिस का बाप कहता है कि नहीं, उसकी शादी कादिर से ही होगी। वहीं पर दूसरी तरफ उससे माफ़ी मांगते तो कहती है कि नहीं, और दूसरी तरफ कादिर हुरम को हुरम से बात करता है, हुरम उसे कहती है तुम बाहर, हम बाहर चलते हैं। उसे समझाती है और उसे हील करने की कोशिश करती है। आने वाले एपिसोड में देखेंगे, उसका बाप कहता है कि सोबिया को कहता है कि तुम्हारी शादी हारिस से नहीं होगी, और अगर होगी तो मैं तुम्हें और उसे जायदाद से आग कर दूंगा। और वहीं पे दूसरी तरफ हारिस को जाकर कहती है तो कहता है कि तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती तो वो मेरे लिए इतनी ही बातें सुनती है, अगर तुमने सुनी तो कौन सा कौन सी बड़ी बात हो गई। वहां पे उसे काफी अजीब भी लगता है, लेकिन हारिस ऐसा ही होता है। वहीं पे दूसरी तरफ उसे काफी उसके लिए काफी परेशान होता है, और वहां पे समझ नहीं आती कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। वहीं पे वो अपने बाप कादिर उसे कहता है, अपने बाप कादिर का बाप उसे कहता है कि तुम बाहर चले जाओ, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक है, तुम थोड़े देर के लिए थोड़े अरसे के लिए बाहर चले जाओ। सोफिया उसके साथ घूमती फिरती है उसका आंखों के सामने, और वहीं उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। वहीं हुरम उसे मिलने के लिए आती है तो उसे कहता है कि हाँ, आप तुम मुझे नीचे दिखाने के लिए उसके साथ टीम अप करोगे, तो कहती है कि जो तुम्हें सोचना है तुम वो सोचो, तुम ऐसे ही हो। अब देखना है आने वाले एपिसोड में क्या होगा, क्या हुरम अपने दोस्त कादिर को हील कर सकेगी या नहीं। आप भी अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा।